हरियाणा विधानसभा चुनाव में ज्यादा समय नहीं बचा है, राज्य में सियासी सरगर्मी भी बढ़ती जा रही है। इसी बीच हरियाणा के सरपंच एसोसिएशन ने हरियाणा सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। दरअसल दिल्ली बाईपास स्थित सर्किट हाउस में सरपंचों की मीटिंग हुई है, जिसके बाद सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का फैसला लिया है। अब आप सोच रहे होंगे कि सरपंचों ने ये फैसला क्यों लिया है, तो यहाँ आपको बता दें कि सरपंचों की ओर से लगातार सरकार से ग्रामीण क्षेत्रों में तरक्की और विकास के मुद्दे समेत पंचायती राज में सुधार की मांग की जा रही है, और ये मांग आज से नहीं बल्कि काफी समय से की जा रही है, जिसमें सूबे की नायब सैनी सरकार की ओर से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है, जिससे सरपंचों के अंदर काफी ज्यादा नाराजगी है। हालांकि हाल ही में नायब सैनी ने सरपंचों को खुश करने के लिए और उनकी नाराजगी को दूर करने के लिए कुछ योजनाओं को लागू किया था, परंतु मैंने एक निर्णय लिया है, क्योंकि हमारी संस्कृति है, हमारे संस्कार भी हैं, हमने ये निर्णय लिया है कि सरपंच अब अपनी मर्जी से 21 लाख रुपए के काम करें। इस फैसले से कुछ सरपंच खुश हुए तो कुछ नाखुश भी रहे। वहीं सरपंच एसोसिएशन ने सरकारी योजनाओं को लेकर ये तक कह दिया है कि सरकार बरगलाने की कोशिश कर रही है। साथ ही 22 जुलाई तक सरपंचों ने सरकारी कार्यक्रमों का बहिष्कार करने का ऐलान कर दिया है। इस दौरान एसोसिएशन ने सरकार को बातचीत करने का समय भी दिया है, और अगर सरकार बातचीत नहीं करती है तो एसोसिएशन 25 जुलाई से बड़ी मात्रा में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करने वाली है। विधानसभा चुनाव भी नजदीक है और सत्ता पर काबिज बीजेपी ने पहले ही लोकसभा चुनाव के अंदर सरपंचों की नाराजगी का खामियाजा भुगत लिया है। ऐसे में विधानसभा चुनाव से पहले अगर बीजेपी सरपंचों की मांग को नहीं मानती है तो उन्हें विधानसभा चुनाव में भी खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। खैर, ये तो विधानसभा चुनाव के नतीजों के बाद पता चल ही जाएगा। सरपंच एसोसिएशन के इस फैसले पर आपका क्या कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं।